हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, ठीक है? आज हम जानने जा रहे हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है. ओके, वो अभी क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है? सो गाइस, थोड़ा सा रिलैक्स फील करिए. टेक अ डीप ब्रेथ, आंखें बंद करिए और अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए मन में, ठीक है? गाइस, दिस इज अ क्रिस्टल ट्री. चलो रीडिंग शुरू करते हैं. Oh my God. Nine of Cups, Eight of Pentacles, Four of Pentacles. Okay, सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं. Seven of Wands, Justice. ठीक है, जस्टिस में यहाँ पर रख देती हूँ. एंड वी विल चेक. ओ माई गॉड, देखो बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ वॉन्ट्स. ओके गाइज, आपके पार्टनर ये समझ चुके हैं ना कि जो उनकी विश है, ठीक है, आप उनकी विश कम ट्रू है. जैसा वो चाहते थे, जैसी पार्टनर वो चाहते थे, जैसा हम सफ़र वो लाइफ में चाहते थे, आप वही हैं उनके लिए, ठीक है. यू आर द स्पेशल फॉर हिम, जो उनको चाहिए था आप वही हैं, ये बात वो समझ चुके हैं, ठीक है. अभी वो आई एम गेटिंग कि कुछ लोगों के पास तो उनके पार्टनर का मैसेज आ गया है, ठीक है. ऑफ कोर्स आप लोगों के जो ब्लॉकेजेस है ना, एटलीस्ट वो तो ख़त्म हो गए हैं. टेक्स्ट ही हुआ हो, कुछ तो कम्युनिकेशन मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है. मे बी जो भी ब्लॉकेजेस थे वो तो ख़त्म हो गए, ठीक है. जो भी नेगेटिविटी थी रिलेशनशिप में एक दूसरे को लेकर, वो मुझे ख़त्म होती दिखाई दे रही है. स्टिल मुझे वो अभी उन्होंने स्टेप इसलिए नहीं लिया है ना, उनको ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे मैं सही हूँ, ठीक है. कहीं बाद में मैंने उनको कमिट कर दिया और वापस से वही लड़ाइयाँ शुरू होने लगी जैसे पहले होती थी, जैसे पहले प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, फिर हम सेपरेशन में गए. दोबारा सेपरेशन में ना चले जाएं, ठीक है. आई एम गेटिंग यहाँ पे भूतों की बात हो रही है, ठीक है. नहीं हो रही तो गाइस होने वाली है, आपकी बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है. दे विल फाइट फॉर यू, आपके लिए वो लड़ेंगे. किसी से भी क्यों ना लड़ना चाहो, फैमिली मेम्बर्स हो या सोसाइटी हो, कोई भी हो, वो ऑफकोर्स आपके लिए लड़ने वाले हैं, आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने वाले हैं, ठीक है. अब अपने रिलेशनशिप के साथ वो जस्टिस करेंगे, ठीक है. ऐसे ही इसको ख़राब नहीं होने दे सकते. ही नोज दैट ही लव्स यू, मतलब जेंडर देख लेना, ठीक है. और आप भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो ये जानते हैं, वो इस रिश्ते की अहमियत को समझ रहे हैं, तो वो इस चीज़ को ऐसे ही ख़त्म नहीं होने देने वाले हैं, ठीक है. अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है. हाँ, बस वो ये सोच रहे हैं अपना, मतलब होता है ना कि अपनी स्टेबल जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है.
स्टिल ही विल फाइट फॉर यू यार, मतलब वो ही नहीं शी भी वो आपके लिए लड़ने वाले हैं, ऑफकोर्स वो आपके लिए लड़ने वाले हैं, अपने रिश्ते पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं अपने रिश्ते के ऊपर, ठीक है। अभी तक अगर आपने ही रिश्ते में सब कुछ दिया था और आप ही मतलब बात करना चाह रहे थे, आप ही उनसे बोल रहे थे वापस आ जाओ ये हो जाओ, इट्स अ टाइम कि वो भी पे बैक करेंगे इन सारी चीज़ों को, ठीक है, वो भी वापस से आएंगे, ठीक है। आपने जितनी उनकी केयर करी है, आप जितना शांत रहे हैं, इट्स टाइम फॉर देम कि वो उस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। यस डेफिनेटली गाइस, अब भी है ना उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि उनको है ना आपके पास आने के लिए बहुत चीज़ों का सामना करना है, बहुत चीज़ों का, ठीक है। आई डोंट नो, वो चीज़ें बहुत परमानेंट है, मे बी फैमिली, मुझे यहाँ पे फैमिली एंड फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ तो है, वो चीज़ें बहुत परमानेंट है ना, इतनी आसानी से है ना वो उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। बट या गाइस, स्टिल दे विल वर्क फॉर यू, आपके रिलेशनशिप का पे काम करेंगे, लोगों से लड़के आएंगे, दुनिया जहाँ को छोड़ के आएंगे, बट आएंगे, बहुत मेहनत करने वाले हैं वो। आप लाइक वो समझ रहे हैं ना कि भाई उनको जो चाहिए ना वो अब आप ही हो, उनको और कोई कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। लाइफ की सेटिस्फेक्शन उनकी आपके साथ है, तो वो और कहीं क्यों जाए, क्यों ही जाए कहीं और वो, ठीक है। बट हाँ, एक एक इनसिक्योरिटी उनकी है, कि इनसिक्योरिटी इन द सेंस कि वो आपको अभी ना कमिट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, वो चाहेंगे बस अभी हमारी जो नॉर्मल टॉक हो रही है ना सिर्फ, ठीक है, जनरल टॉक हो रही है वो बनी रहे, ठीक है, क्योंकि उनको है ना बहुत कुछ चीज़ों से लड़के आना पड़ेगा आपके लिए, एंड दे विल कम, ठीक है, लड़ेंगे भी, मेहनत भी करेंगे और अब आके वो अपने रिश्ते को ऐसे नहीं बिखरने देंगे, ऐसे ही नहीं बिखरने देंगे वो, बस उनको पता है ना कि भाई क्या अहमियत है आपकी उनकी लाइफ में, इस रिश्ते की उनकी लाइफ में, वो ऐसे कैसे बिखरने दे सकते हैं यार, नो। अब उनको समझ आया है कि मैं चीज़ें अपने अंडर लूँगा, अपने कंट्रोल में लूँगा, ठीक है, एंड ही विल कम, ओके, एंड चलो आज के लिए गाइस रीडिंग सिर्फ इतनी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, एंड होप फॉर गुड, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, अलविदा।